जय हिंद मित्रों, एक बार हम फिर से आ पहुंचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और आज आपको हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ताज़ा अपडेट देने जा रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आवागमन चालू हो गया है, गाड़ियां आ जा रही हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब गूगल मैप से भी जुड़ चुका है। दोस्तों, इस पर आप यात्रा करके आप लखनऊ से बक्सर जा सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी एडवेंचरस हैं और जोखिम लेना चाहते हैं, अपने रिस्क पर इस पर यात्रा करना चाहते हैं क्योंकि आधिकारिक अनुमति नहीं है, तो आप आ जा सकते हैं दोस्तों। और जो लखनऊ से हैदरिया की लेन है वो लगभग कंप्लीट है, सिर्फ फिनिशिंग के काम बाकी हैं दोस्तों, कहीं कहीं वही हो रहे हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए, जनता के लिए सरकार इस रास्ते को खोल देगी। आप इससे फिलहाल आ जा सकते हैं। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आवागमन के लिए चालू हो चुका है दोस्तों। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां आ जा रही हैं, आप लखनऊ से बक्सर बेझिझक इस पर यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो आधिकारिक रूप से इस पर यात्रा की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि कई बार उद्घाटन की तारीखें एस की गई और उद्घाटन किन्हीं कारणों से टलता गया। जो फाइनल उद्घाटन की तारीख घोषित की गई अधिकारियों के जानिब से, मंत्री जी के जानिब से, लेकिन वह अभी 15 अगस्त को टल गई। हो सकता है फिनिशिंग के काम अभी 100% पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि इसको चालू करने के बाद भी आलोचकों की आलोचनाओं का सामना करना पड़े। इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन फिलहाल टल गया है। आगे चुनावी वर्ष भी है तो हो सकता है चुनाव के नज़दीक जाके इस एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन किया जाए और आधिकारिक ट्रायल और इस पर सफ़र की अनुमति मिल सके। लेकिन लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि लगभग मुख्य मार्ग का काम कंप्लीट हो चुका है और अब यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गूगल मैप से भी जुड़ गया है। आप गूगल मैप पर भी जब सर्च करेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको जाने के लिए दिखाएगा। अभी हाल ही में हमने बक्सर की यात्रा की थी, अपने घर, हमारा घर मऊ जनपद में करहा के पास पड़ता है और हमें एक लोग को चढ़ाने के लिए ट्रेन पे बक्सर जाना था और हमने सर्च किया। पहले तो हम लोगों का जो रास्ता था वह मोहम्मदाबाद, मऊ, रसड़ा, फिफना और चितबड़ा गांव होते हुए बक्सर हम लोग जाया करते थे, तो हमें दूरी देखना था और समय देखना था क्योंकि ट्रेन का समय कम था। लेकिन जैसे ही मैंने करहा टू बक्सर डाला तो हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा रास्ता दिखाई दिया और उस पर समय और दूरी भी कम थी, तो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा अपने घर के पास से एंट्री पॉइंट से शुरू की थी और बक्सर तक हम लोग 1.5 घंटे में पहुंचे थे। जो एडवेंचरस लोग हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जोखिम लेके भी कोई नया काम देखना चाहते हैं और नए रास्ते पर यात्रा करना चाहते हैं दोस्तों, वो आ जा रहे हैं और बहुत ही शानदार सफ़र का नज़ारा लोग अनुभव कर रहे हैं दोस्तों। आप भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ जा सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी एडवेंचर है, क्योंकि इस रास्ते पर अभी आपको अपने रिस्क पे चलना है। यहाँ कुछ भी आपके साथ होनी अनहोनी होती है या गाड़ी में कोई खराबी आती है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए यदि आप इस रास्ते पर चलते हैं आपको निश्चित रूप से जोखिम लेने का हुनर होना चाहिए और कुछ नया करने का हुनर होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि दिन में ही आप यात्रा करें, रात में न करें। और जो एग्जिट आउट एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं इंटरचेंज के, कुल 15 इंटरचेंज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं, कुल 15 इंटरचेंज पास हुए हैं, उसमें से अधिकतर इंटरचेंजेस के काम पूरे हो गए हैं, कुछ ही इंटरचेंजेस के काम अधूरे हैं। सठियाँव जो स्लिप रोड इंटरचेंज बनना है वहाँ का काम अभी शुरू ही हुआ है, वहाँ का काम अभी अधूरा है, लेकिन आप 247 किलोमीटर पर सठियाँव में भी उतर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यूपीडा की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन के लिए टेम्प्रोरी रास्ते बनाए गए हैं उतरने और चढ़ने के, उससे भी आप ध्यान दे के उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं दोस्तों। हाँ, जो टेम्प्रोरी रास्ते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब बंद हो जाएंगे और कब खोल दिए जाएंगे दोस्तों। जैसे उनकी ज़रूरत होती है उन रास्तों को खोलते हैं और ज़रूरत नहीं होती है तो उन रास्तों को बंद कर देते हैं। और उन रास्तों से उतरने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से देख कर आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से सफ़र करने पर पता नहीं चलता कि हम कहाँ आ गए और कहाँ नहीं आए, ऊपर से अंदाज़ा नहीं चलता। तो अगर आपने देखा हो पहले या बहुत ध्यान से, सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह माइलस्टोन लग चुके हैं, यहाँ तक कि 100-100 मीटर के भी छोटे छोटे प्लेट लग चुके हैं, तो आपको चलने का, सबसे इस पर उतरने का और चढ़ने का सबसे अच्छा आइडिया ये रहेगा कि आप पहले से जान लें
पूछ लें, समझ लें कि कितने किलोमीटर और कितने 100 मीटर के बाद हमको उतरना है या चढ़ना है, ये सबसे सटीक रहेगा। उसमें भूलने का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर आपको माइलस्टोन याद है, आपको किलोमीटर याद है, आपको मीटर याद है कि इतने किलोमीटर से और इतने मीटर के बाद हमको इंटरचेंज मिलना है या एग्जिट और एंट्री पॉइंट मिलना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने और उतरने का। दोस्तों देखिए, दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे दनादन गाड़ियां आ जा रही हैं और इस रास्ते का प्रयोग लोग कर रहे हैं। दोस्तों मेरे द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दिए जाने वाले अपडेट्स आपको कैसे लगते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ जानना समझना पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपका उत्तर दूंगा और ज़रूर दूंगा। इसके अलावा मेरी वीडियो अपने चाहने वाले लोगों में, अपने लोगों में अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए ताकि आने वाली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।